ओके सो गाइज, आप लोगों ने इस तरह का बिहाइंड द टेस्ट वाला वीडियो इंस्टाग्राम के रील्स में देखा होगा। सो आज हम सीखेंगे गाइज कि इस तरह का रील्स वीडियो आप भी कैसे बना सकते हो, जहाँ पे पर्सन के पीछे जो था सॉन्ग का लिरिक्स या फिर ऐसा टेक्स्ट चलते रहता है। तो चलते हैं एंड सीखते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए कैपकट एप्लीकेशन गाइज। तो पहले चलते हैं और कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना प्लस में और अपने गैलरी में जाके अपने जो वीडियो क्लिप होगा उसको आप यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना। ओके ओके सो मैंने यहाँ पे इस वाले वीडियो क्लिप को ऐड किया है, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो बीट वगैरह है इसमें। बट हमें जो सीखना है बस हमें वही सीखना कि इसके जो पीछे है बैक साइड में हम कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको यहाँ पे पहले क्लिक करना है टेक्स्ट में। ओके उसके बाद आपको जहाँ पे भी ऐड करना होगा, जैसे कि मुझे इस वाले पार्ट में ऐड करना। ओके तो यहाँ पे पहले आ जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट में, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना कुछ भी, जैसे कि आपको कुछ भी लिखना होगा उसको आप पहले टाइप कर देना। तो जैसे मुझे लिखना है गाइस, हे गाइस। ओके बाकी आप लोग चाहो तो सॉन्ग वगैरह का लिरिक्स लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ भी ऐसा टाइप किया है आपको बताने के लिए कि इस तरह से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्लिक करना फॉन्ट में गाइस, और फॉन्ट में यहाँ से आप कुछ भी फॉन्ट को आप ऐड कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को। तो जैसे सॉपिया प्रो हो गया या फिर ऐसा बहुत सारा फॉन्ट आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे ऐड करना। उसके बाद इस तरह से टेक्स्ट ऐड करने के बाद, मतलब कि फॉन्ट ऐड करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद गाइस आपके यहाँ पे क्लिक करना स्टाइल में, और अभी आपका भाई इसका जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसका कलर रखना ब्लैक, तो सिंपली इस तरह से ब्लैक भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रेड वगैरह, या फिर इसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे कलर्स मिलते हैं, तो सिंपली उस टाइप का कलर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मुझे हाईलाइट कलर रखना ताकि आप लोगों को दिखा सके कि हाँ भाई कैसा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इस तरह से कलर्स वगैरह ऐड करने के बाद आपको आ जाना है एनिमेशन में गाइस, यहाँ पे क्लिक करना एनिमेशन में। उसके बाद आपका पे तीन टाइप का एनिमेशन दिख रहा होगा, पहला है इन का, फिर आउट का एंड लूप का। तो लूप मतलब होता है कि पूरा वेव होगा, मतलब कुछ भी आप ऐड करोगे ना तो शुरू से लेके इन तक चलेगा। बाकी इन में मतलब सिर्फ जब स्टार्टिंग आप करोगे बस उस टाइम पे एनिमेशन ऐड होगा। बाकी मुझे पता है कि अभी सब लोगों को पता होगा वैसे, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा था। तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी अभी कोई सा भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो, बट आपके यहाँ पे आ जाना लूप में गाइज, और यहाँ से आपके यहाँ पे चूज करना ये वाला वेव थ्री वाला, सिंपली इसको आप ऐड करना। तो कुछ इस तरह से आपको वेव वाला जो देखा था आप लोगों ने स्टार्टिंग में, तो उस टाइप का इफेक्ट आपके यहाँ पे लग जाएगा। बाकी यहाँ से इसका जो स्पीड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ इस तरह से आप चाहे तो फास्ट कर सकते हो, कम फास्ट हो गया एंड इतना स्लो हो गया। तो इतना करके सिंपली इसको आप डन कर देना गाइस। बाकी आप चाहो तो इन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट इतना काफ़ी है। सो कुछ इस तरह से आपके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। ओके बट हाँ, ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा फ्रंट में ऐड हुआ, मतलब कि आदमी के आगे ऐड हुआ, तो मुझे इसको बैक साइड करना, मतलब कि पीछे करना। तो उसके लिए गाइज पहले आप चाहो तो इसका लेंथ कम कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज पहले हमें इस जो वीडियो है पहले इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना ऊपर में और पहले इसको आप एक्सपोर्ट करना, उसके बाद बैक आना गाइज एंड यहाँ पे क्लिक करना प्लस में। उसके बाद अपने गैलरी में जाके अभी जो आप वीडियो क्लिप एक्सपोर्ट किए थे पहले उसको आप सेलेक्ट करना, उसके बाद सिंपली इसको आप ऐड करना। ओके उसके बाद गाइज आपको स्टार्टिंग में आके आपको यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में क्लिक करना। उसके बाद आपको फिर से क्लिक करना प्लस में, बट गाइज इस बार आपको उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करना जिस वीडियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, एंड जो आपका ओरिजिनल वीडियो क्लिप था उसको आप पहले आपको यहाँ पे ऐड करना। ओके तो पहले हम वीडियो को यहाँ पे सेट कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे करना है ऐड गाइज, और अभी आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद पूरा फिट करना, मतलब आपको यहाँ पे क्लिक करना एंड जूम करके पूरा डिस्प्ले फिट करना। बट हाँ, ज़्यादा जूम मत करना, मतलब कि परफेक्टली आपको यहाँ पे मैच करना चाहिए वीडियो के साथ, मतलब कि जो फ्रेम है आपका, ना जूम ना छोटा ना बड़ा, परफेक्ट। ओके सो इस तरह से यहाँ पे ऐड करने के बाद गाइस जब भी आपको यहाँ पे क्लिक करना ऊपर वाले वीडियो क्लिप में जिसको आप बाद में ऐड किया था उसमें क्लिक करना। उसके बाद गाइस जब भी आपको यहाँ पे क्लिक करना है कट आउट में, ओके यहाँ पे क्लिक करना कट आउट में। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना रिमूव बैकग्राउंड में, इसमें टैप करना। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना, आपका लोडिंग लेगा नहीं तो फिर हो जाएगा। बाकी इसको आप डन कर देना। और भाई साहब अभी आप लोग यहाँ पे देखो, ओके हमारा जहाँ पे टेक्स्ट है पीछे आ चुका है, मतलब कि यार बिहाइंड जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जैसे कि देखो फिर से एक बार, ओके तो इस तरह से आपका बिहाइंड द टेक्स्ट वाला जो रील्स है आपका बन जाएगा, जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पे हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक टेक्स्ट के लिए बता दिया कि आप बस इस तरह से लिख सकते हो,
बाकी आप खुद से दिमाग लगाना कि आपको लिरिक्स ऐड करना है, फिर क्या लिखना है, आप खुद से आप दिमाग लगा के इस तरह से बना सकते हो। बाकी मैंने आपको जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से करना गाइस, बाकी उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में और मज़ेदार वीडियो में। ओके।